इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिन तक उत्तर भारत में बारिश के आसार। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को दिनभर बारिश से तापमान 70 सालों में सबसे कम। 26 मई को बंगाल और ओडिशा में बढ़ सकती है मुसीबत। उत्तरी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा लो प्रेशर। गुजरात में टाउटे तूफान से मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 45 लोगों ने गंवाई जान। ऊना में तूफान ने मचाई तबाही, तिनके की तरह उड़ गया सोलर प्लांट। टाउटे तूफान से अरब सागर में डूबे बार्ज P305 पर रेस्क्यू जारी, अब तक 186 लोगों को बचाया गया, 26 लोगों के शव बरामद। MV देनाली और MV समर्पण शिप के सभी क्रू मेंबर सुरक्षित, इंडियन कोस्ट गार्ड ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया गुजरात और दीव के तूफान प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे, PM के साथ CM विजय रूपाणी भी मौजूद। प्रधानमंत्री ने लिया अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर CI तबाही का जायजा। अहमदाबाद में CM और अधिकारियों के साथ PM की बैठक, PM ने हालात की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। टाउटे तूफान को लेकर PM का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की मदद, घायलों को मिलेंगे 50,000। प्रधानमंत्री ने गुजरात में राहत कार्यों के लिए 1,000 करोड़ का पैकेज दिया, केंद्रीय टीम लेगी नुकसान का जायजा। गोवा सरकार ने भी मुआवजे का किया ऐलान, तूफान की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए। PM नरेंद्र मोदी आज फिर देश के जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे, 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की रोकथाम पर चर्चा करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की, नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना पेशेंट पूरी तरह रिकवर होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर कोई वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद कोरोना पॉजिटिव हो गया तो वो भी रिकवर होने के 2 से 3 महीने बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा सकता है। गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन लगवाने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, कोविड वैक्सीन लेने के 14 दिन बाद ब्लड डोनेट किया जा सकता है। अब आप घर पर रहकर भी अपना और अपने परिवार के सदस्यों का कोरोना टेस्ट कर सकते हैं, ICMR ने होम टेस्टिंग के लिए किट को मंजूरी दी। किट को माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन नाम की कंपनी ने तैयार किया, टेस्ट किट का नाम है कोविसेल्फ। ICMR ने घर पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए एडवाइजरी भी जारी की, कहा घर पर रैपिड एंटीजन टेस्ट सिर्फ सिम्टोमेटिक मरीजों के लिए है। इस किट के जरिए जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी उन्हें पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन सिम्टम होने के बावजूद जिन लोगों का रिजल्ट नेगेटिव आएगा उन्हें RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने जारी किया बयान, कहा अभी बाजार में लॉन्च नहीं हुई 2DG दवाई की कीमत भी नहीं हुई तय। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की अपील, 2DG को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से रहें दूर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,76,000 नए केस सामने आए, 3,876 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 3,68,000 से ज्यादा लोग रिकवर, अब देश में एक्टिव केस 31,25,000। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,000 नए केस, 104 लोगों की मौत। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोविड की वजह से 208 लोगों की मौत, 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,407 नए मामले। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की कोरोना से मौत, 1,377 लोग कोरोना पॉजिटिव, 3,778 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 594 ने गवाई जान। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 57 मरीजों की मौत, 1,350 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 3,846 नए मामले, 24 घंटे में 235 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 7,336 नए मामले, 19,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। उत्तर प्रदेश के गांव में तेजी से हो रहा कोरोना पर काबू, 4.5 करोड़ टेस्ट में 2,34,00,000 टेस्ट ग्रामीण क्षेत्र में, अभी भी 1,00,000 टेस्ट रोज ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे। 70,000 से अधिक निगरानी समितियां गांव में घूमकर संदिग्ध संक्रमित लोगों को चिन्हित करती हैं, बाद में उनका टेस्ट और मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाता है। कर्नाटक में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, 24 घंटे में 468 मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के करीब 4,000 नए मामले सामने आए, 62 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 32,000 से ज्यादा केस आए सामने, 112 लोगों की हुई मौत। त्रिपुरा में अब तक 26% आबादी को लगा टीका, राज्य के पास 40,000 वैक्सीन की डोज बची। अमृतसर के राधा स्वामी सत्संग ब्यास में कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन, कोरोना नियमों का हुआ पालन। दिल्ली में 27,000 में से 13,000 बेड खाली, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी, 6,500 ICU बेड में से 1,200 खाली। कोरोना पर लापरवाही के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बयान, कहा नेताओं और नौकरशाह को नाकामी स्वीकार करने में दिक्कत होती है।
देश में 12,874 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की रेल और हवाई जहाज से हुई डिलीवरी, 19 जनरेशन प्लांट और करीब 16,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिलीवरी भी हुई। 26 अप्रैल से 14 मई तक मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे 17,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर। उत्तराखंड को मिली 207 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, गढ़वाल और कुमाऊं में पहुंचाई गई ऑक्सीजन। रायपुर पहुंचा एयरफोर्स का एंटनोव, छत्तीसगढ़ के लिए मेडिकल सप्लाई लेकर पहुंचा विमान। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नवनीत कालरा के पास से बरामद किए 2 फोन, फॉरेंसिक टीम कर रही जांच। जेएनयू कैंपस में कोविड हेल्थ सेंटर बनाने की योजना, पूर्व छात्रों ने आर्थिक मदद मांगी। मध्य प्रदेश के लिए WHO ने दिए 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, अलग अलग अस्पतालों में बांटे गए। दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, ऑक्सीजन सप्लाई करने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। UPSTF की बड़ी कार्रवाई, ज्यादा दाम पर ऑक्सीजन बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। थाने में 2 वार्ड बॉय गिरफ्तार, 1,250 रुपए में देते थे कोरोना की फर्जी रिपोर्ट। हरियाणा पुलिस ने कालाबाजारी करने वाले 76 लोगों को गिरफ्तार किया, कालाबाजारी मामले में अब तक 37 FIR। असम में ऑक्सीजन प्लांट को मिलेगी मुफ्त बिजली, कैबिनेट की बैठक में फैसला। राजस्थान के गांव में पिछले 1 महीने में 43 लोगों की मौत, कोरोना से मौत की जताई आशंका। कर्नाटक में बागवानी करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हर महीने 10,000 मिलेंगे, ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए भी राहत पैकेज। कर्नाटक के मैंगलुरु में बिना मास्क खरीदारी करने पहुंचा डॉक्टर, डॉक्टर के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक डॉक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी की मरीजों को समर्पित, बिना पैसे लिए जरूरतमंदों का इलाज। कर्नाटक में शुरू हुई ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की सेवा, कर्नाटक के डिप्टी CM ने किया उद्घाटन। श्रीनगर में 10 दिनों बाद शुरू हुआ वैक्सीनेशन, स्टॉक खत्म होने की वजह से नहीं लग रहे थे टीके। केजरीवाल के बयान पर भारत में सिंगापुर के हाई कमिश्नर का बयान, का भारत सरकार के स्टेटमेंट से हम संतुष्ट हैं। सिंगापुर हाई कमिश्नर ने जयशंकर के बयान का किया जिक्र, कहा सिंगापुर और भारत सॉलिड पार्टनर साबित हुए हैं। केजरीवाल के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जताई थी आपत्ति, कहा गैर जिम्मेदाराना बयानों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़े में सामने आया गड़बड़ झाला, दिल्ली सरकार और MCD के आंकड़ों में अंतर। दिल्ली में थर्ड वेव पर हाई लेवल की बैठक में बड़ा फैसला, तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स। कोरोना से जंग पर आर्मी चीफ का बयान, कहा अप्रैल के मुकाबले सैन्य अस्पतालों में अब 2,000 ज्यादा बेड, ऑक्सीजन प्लांट भी डबल हुए। पटना में तेजस्वी यादव का सरकारी बंगला बना कोविड केयर सेंटर, कहा जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से 90 की मौत, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा InfoB दवाई अलॉट करवाई केंद्र सरकार। टोपे बोले कोरोना वैक्सीन और ब्लैक फंगस की दवा के लिए भी ग्लोबल टेंडर निकाला गया, केंद्र के अप्रूवल की जरूरत होगी। राजस्थान ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। एम्स में हर रोज मिल रहे ब्लैक फंगस के 20 केस, एम्स ट्रॉमा सेंटर और एम्स झज्जर में अलग से बनाए गए वार्ड। दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले सामने आए, एम्स में 75 से 80 मरीजों का हुआ इलाज। कोरोना के हालात को लेकर दिल्ली LG की बैठक, अनिल बैजल ने ब्लैक फंगस से जुड़ी दवाइयों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर, KGMU में 4 मरीजों के इलाज के दौरान मौत। अलीगढ़ में ब्लैक फंगस के 2 केस, CMO ने कहा लखनऊ से जल्द मिलेंगी दवाएं। MP में ब्लैक फंगस के मामले में बढ़ोतरी, शिवराज सरकार ने जांच अभियान चलाने का फैसला किया। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से मौत का दूसरा मामला, ऋषिकेश एम्स में एक महिला ने गंवाई जान। UP व्याज से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत होगा मुफ्त राशन वितरण, गरीबों और BPL कार्ड धारकों को मिलेगा राशन। किसानों के लिए मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, DAP खाद की सब्सिडी में 140% बढ़ोतरी। किसान एक बोरी DAP 2400 की जगह केवल 1200 में खरीद सकेंगे, विदेशी बाजार में बढ़ी कीमतों का नहीं होगा असर। सब्सिडी के लिए 14,775 करोड़ अतिरिक्त खर्च करेगी केंद्र सरकार, किसानों को पुरानी कीमत पर खाद मिलती रहेगी। UNSC के ओपन डिबेट में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले भारत और अफ्रीका के बीच मजबूत रिश्ता, PM ने 2018 में रखी थी नींव। जयशंकर बोले दुनिया को अफ्रीका के साथ खड़ा होना चाहिए, 41 अफ्रीकी देशों तक पहुंचाई जा रही मदद। नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार TMC नेताओं की जमानत पर आज फिर सुनवाई, बुधवार को नहीं मिल सकी जमानत। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में BJP और TMC कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, कई घायल, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। नवनीत कालरा के खिलाफ ED ने किया केस, PMLA के तहत दर्ज किया मामला। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आर्मी ने 2 लोगों को किया रेस्क्यू, नदी किनारे काम करते समय पानी के तेज बहाव में JCB सहित फंस गए थे दोनों। गुजरात के अहमदाबाद में 5 मंजिला इमारत जमींदोज, हादसे में कोई घायल नहीं, बिल्डिंग को पहले ही करा लिया गया था खाली। दुनिया में कोरोना के 16,49,00,000 से ज्यादा केस, अब तक 34,21,000 से ज्यादा की मौत।
न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के रिसर्च का दावा, कोरोना के भारत में मिले वेरिएंट पर भी असरदार है फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन। भारत के कोरोना केस पर WHO का बयान, पिछले कुछ हफ्तों में नए केस में 13% कमी दर्ज, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा केस। 6 महीने के बाद फ्रांस में खुले कैफे रेस्टोरेंट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पेरिस कैफे में एक साथ बैठकर कॉफी पी। कोरोना वैक्सीन जलाने वाला मलावी पहला अफ्रीकी देश बना, कहा अब जो वैक्सीन लेंगे कि वो एक्सपायर्ड नहीं है। इटली में एक ज्वालामुखी में विस्फोट, आसमान में 2 किलोमीटर का छाया धुएं का गुबार। फिलिस्तीन की तरफ से इसराइल पर दागी गई रॉकेट, इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने आयरन डोम से हवा में रॉकेट मार गिराया। इसराइल ने फिलिस्तीन से आने वाले रॉकेट से बचने के लिए सायरन बजाकर दी चेतावनी, आवाज सुनकर लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स के बहिष्कार की मांग की, कहा US डिप्लोमेटिक बायकॉट किया जाएगा। विंटर ओलंपिक्स रोकने के लिए चीन का बयान, कहा यह अमेरिका का ढोंग है। गाजा में बुधवार को इजरायली हमले में 6 की गई जान, हमास के अल अक्सा रेडियो के पत्रकार भी शामिल। गाजा में 10 दिनों से जारी संघर्ष में बना अमेरिका पर दबाव, बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके बाइडेन ने सीज फायर करने को कहा। स्पेन में शरणार्थियों पर संग्राम, संसद में PM ने कहा 4,800 से ज्यादा को मोरक्को लौटाया गया। इंग्लैंड दौरे के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज KS भरत भारतीय टीम में शामिल, रिद्धिमान साहा के बैकअप के तौर पर टीम में मिली जगह। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।